चंडीगढ़ में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं व्यापारी नेता कैलाश जैन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डिमांड असेसमेंट को लेकर आबकारी और कराधान विभाग के ATCR के चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस शिष्टमंडल में चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश कुमार, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष ओम अग्रवाल व कंप्यूटर मार्केटिंग की तरफ से GDC व अन्य व्यापारी संगठन के व्यापारी शामिल थे। ज्ञात रहे पिछले दिनों प्रधानमंत्री को भाजपा नेता कैलाश जैन ने एक पत्र भेजकर व्यापारी को आ रही समस्या को लेकर डिमांड असेसमेंट की मांग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में चंडीगढ़ प्रशासन को मामले की सहानुभूति सुनने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में आज श्री जैन के नेतृत्व में आबकारी और कराधान विभाग के ARCR के चौधरी से मुलाकात की। कैलाश जैन जी, आप यहाँ पे व्यापारियों के लिए जो मिलने के लिए आए हैं, किस विषय में मिलने के लिए आए हैं? एक्साइज डिपार्टमेंट में आप क्या पर्पज के लिए यहाँ पहुँचे जी? देखिए, चंडीगढ़ के व्यापारियों की तरफ से हमारा ये प्रतिनिधिमंडल आया है, इसमें चंडीगढ़ के व्यापारी, ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाले, लघु उद्योग भारती वाले, फर्नीचर एसोसिएशन, सारे के सारे एसोसिएशन जो है वो कुछ लोग शामिल हैं। और हम ये 5 लोग नहीं, पूरे चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं इस मामले में। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद जो था, चंडीगढ़ के व्यापारियों की तरफ से पिछले काफ़ी समय से जो पुराने केसेस हैं सेल टैक्स और CST के, उनके लिए डीम्ड असेसमेंट की मांग बहुत पुरानी लंबे समय से चल रहा है। इस मामले में चंडीगढ़ के व्यापारियों की तरफ से हमने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि चंडीगढ़ में डीम्ड जो GST से पहले के जो पुराने केसेस हैं उनको डीम्ड असेसमेंट में लेकर उनको ख़त्म किया जाए और उनका निपटारा किया जाए। उस पत्र के संबंध में आज हम श्री RK चौधरी जो AETC हैं चंडीगढ़ के, उनसे मिलने आए और इनसे बैठक करी। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा, और हमने उनसे बात करने के बाद ये इस बात पर सहमत हो गए कि डीम्ड असेसमेंट के बारे में चंडीगढ़ से ये एक प्रपोजल बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये मामला CST से संबंधित है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मामले की अप्रूवल आनी है। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद डीम्ड असेसमेंट की स्कीम चंडीगढ़ में लागू करनी चाहिए। इसके अलावा एक और मामला हमने उठाया, जब तक ये, क्योंकि ये मामला डीम्ड असेसमेंट का जो है ये पेंडिंग में है, तो जब तक ये मामला ना हो जाए तब तक लोगों को नोटिस या पेनल्टी ना लगाई जाए। तो इस मामले में भी चौधरी साहब ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए ये कहा है कि हमारा, क्योंकि 6 साल के अंदर अंदर इसकी डीम जो असेसमेंट है सेल टैक्स के केसों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन और वो जो नवम्बर 2020 तक ये असेसमेंट होनी ज़रूरी है। इसके अलावा 13-14 के साल की जो असेसमेंट है वो नवंबर 2020 तक होनी ज़रूरी है। इसमें हमने ये रिलैक्सेशन दे देंगे कि अक्टूबर तक जो भी आदमी जो रेगुलर केस कराना चाहते हैं वो करवा लें, अक्टूबर तक किसी भी व्यापारी को कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट या एक्स पार्टी फैसला नहीं होगा। एक्स पार्टी फैसला अक्टूबर के बाद हो जाएगा, होगा तब तक हमें उम्मीद है कि तब तक ये डीम्ड असेसमेंट का फैसला भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाएगा और व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।